देखिए, आलू की खेती विभिन्न किस्म की किसान करते हैं और आलू के विषय में एक मान्यता है कि आलू खाने से जो शुगर के पेशेंट हैं उनका शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि अब आलू में शुगर की मात्रा अधिक होती है। आलू का भी विभिन्न तरह का उपयोग होता है, जैसे आलू से चिप्स भी बनाए जाते हैं, सब्जियां भी बनती हैं, कई तरीके से उसका उपयोग होता है। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में अवस्थित है, उसका ब्रांच पटना में भी है। उस इंस्टीट्यूट से कई प्रजाति के आलू के प्रभेद का वहाँ पे विकसित हुआ है और उसको किसान उसको लगा रहा है, क्योंकि यदि शुगर फ्री आलू की खेती करते हैं और शुगर फ्री आलू यदि मिलता है मार्केट में, तो जो शुगर के पेशेंट हैं वो भी उस आलू को लेके खा सकते हैं। चिप्सोना, जो कुफरी चिप्सोना वैरायटी है, उससे चिप्स अच्छे तरीके से बनता है। अभी चिप्स का भी मार्केट काफ़ी बढ़ा है और उस तरह के आलू की मांग जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां हैं उसमें है। तो पलामू के किसान इससे जुड़े हैं और उन लोगों ने वहाँ से बीज मंगा करके शुगर फ्री आलू और चिप्सोना वैरायटी जिससे चिप्स बनता है उसकी खेती कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन किसानों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने नए प्रभेद को इस जिले और इस प्रमंडल में इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, ताकि यहाँ के किसान उसको के देख सकें और इसका विस्तार हो सके। और जो इच्छुक किसान हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि आप इस तरह के नए नए प्रभेद को अपने खेतों में लगाएं, उससे आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा और आपकी खेती लाभदायक होगी। पुनः हम सबों को धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जाए। पलामू ज़िले में जैसे कि पता चला है कि किसानों द्वारा शुगर फ्री आलू और आलू के चिप्स बनाने के लिए जो खास प्रजाति के आलू रहती है उसका उत्पादन काफ़ी बड़े मात्रा में किया गया है और यह बीज भी किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं और काफ़ी अच्छी पैदावार भी हुई है। और पूरा ये जो आलू की जो फसल है यह पूरी तरह से जैविक तरीके से तैयार की गई है और इसका जो उपयोग है और इसका जो कंजम्पशन है वह भी काफ़ी अच्छा लोगों को पसंद भी आ रहा है। तो एक तरह से ये जो नए तरीके से खेती करना और पारंपरिक जो खेती है उसके अलग हटकर वैज्ञानिक तरीके से नए प्रजातियों के बीजों के साथ खेती करना यह पलामू ज़िले में यह काफ़ी अच्छे से हमारे जो कृषक भाई बंधु हैं वो कर रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह के नए प्रभेद और प्रजाति वाले जो फसल हैं वह यहाँ पर उसकी उपज होगी और किसान इससे समृद्ध होंगे। एक अच्छा मार्केट इसको मिलेगा। हम लोग मार्केटिंग लिंकेज के लिए भी इस पर काम कर रहे हैं ताकि अच्छे अमूल्य इस जो प्रोडक्ट यहाँ से है इनको मिल सके। जो चिप्सोना है जैसे कि इसका अच्छा चिप्स भी बनता है, इसके स्नैक्स बनते हैं, तो ये बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे फूड प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ भेजा जा सकता है और भविष्य में अगर इसकी उत्पादन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस क्षेत्र में होगी तो फूड प्रोसेसिंग प्लांट के भी काफ़ी अधिष्ठापन इस क्षेत्र में हो सकेगा जिससे जो उद्योग धंधे को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तरह से कृषि आधारित जो कार्य हैं और कृषि आधारित जो उद्योग हैं उसकी काफ़ी संभावनाएं हमारे पलामू ज़िला में हैं। तो इसी तरह से जिला प्रशासन के द्वारा भी वैज्ञानिक तरीके से खेती और जो हाई वैल्यू क्रॉप है उसको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं। तो और मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस तरह की खेती से जुड़े, जिला प्रशासन और सरकार उसकी भरपूर मदद करें।